तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया सा मास्क जिसको लगाने से सारे हेयर प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। हेयर रिग्रोथ, हेयर फॉल पे काम होगा, हेयर रिग्रोथ पे काम होगा, डैंड्रफ पे काम होगा, नए बाल यानी कि आने शुरू हो जाएंगे। चलिए फिर देखते हैं प्रोसेस। कुछ इतना ये पक चुका है, ये मास्क आप देखो ये पक चुका है। इसको ठंडा करना है, पूरा अच्छे से ठंडा करना है, गरम गरम बिल्कुल नहीं पीसना है दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरा भाप ही निकल रहा है। इसको पूरा ठंडा करके तब हम लगाएंगे, ठीक है? ठंडा करके इसको पूरा पीसेंगे, उसके बाद हम अपने हेयर में लगाएंगे, ठीक है? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इस वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। और आपने देखा मैंने प्रोसेस सारा दिखाया आपको कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है? सब आपने देखा स्टार्टिंग में। तो ये जो मास्क बन के रेडी हुआ है आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा गर्म है, मैं आपको दिखाती हूँ। पता नहीं दिख रहा, ये भाप निकल रहा है, थोड़ा सा गर्म है ये, थोड़ा थोड़ा भाप निकल रहा है। इसको पूरा पहले ठंडा करेंगे हम, तब तक हम सोचे आपसे बातें कर ले और इसकी गुडनेस बता दें कि क्या क्या गुडनेस है इसकी, यानी क्या क्या फायदे होने वाले हैं आपको। बैकग्राउंड को प्लीज स्किप कीजिएगा क्योंकि आज हम वीडियो किचन में बना रहे हैं, ठीक है? तो इस वजह से, क्योंकि थोड़ा सा लगाने पे मेसी हो जाता है, यानी कि इधर उधर गिरता है, तो रूम में हम सफाई कर चुके हैं, पोछा वगैरह लगा दिए हैं, इसी वजह से हम आज किचन में शूट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो मास्क बन के रेडी हुआ है, इसमें हमने मिलाया है 1 चम्मच भर के कैस्टर ऑयल, ठीक है? अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं तो तेल लगाना तो पहले बिल्कुल बंद कीजिए, ठीक है? जब बहुत ज्यादा हेयर फॉल होते हैं ना, तो तेल लगाने से क्या होता है कि जो हेयर फॉल है और थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और हेयर फॉल लगा भी रहे हो तो कॉम्बिंग तो बिल्कुल मत करो। सबसे बड़ा चीज की जब हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो तेल प्लीज मत लगाइए, ठीक है? मास्क लगाइए आप, ठीक है? सबसे पहले तो बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो टोनर लगाइए, जिसका वीडियो मेरे चैनल पे आया है, जाके जोर से देखिएगा, ठीक है? पिछला वीडियो मैंने बनाया था, टोनर के बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक है? बट नॉर्मल मतलब हेयर फॉल हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कंघी से झाड़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा बाल, यानी कि 50-60 बाल झड़ रहे हैं, तो आपको टोनर लगाने की जरूरत है, ठीक है? लेकिन अगर आपको 20-25 बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप मास्क लगा सकते हैं, ठीक है? और ये मास्क लगाने से आपके बाल बिल्कुल 3-4 बाल झड़ेंगे, ठीक है? झड़ेंगे तो जरूर, लेकिन 3-4। अब इसको जो 3-4 बाल झड़ रहे हैं ये कॉमन है, इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, 4 बाल मेरे क्यों निकल गए, 4 बाल मेरे क्यों झड़ गए, इतना भी नहीं सोचना है। ये सोचने से और 10 बाल झड़ेंगे, ठीक है? तो 10-12 बाल अगर रेगुलर में झड़ रहे हैं तो ये कॉमन है, ठीक है? इसको भी आप फिक्स कर सकते हैं थोड़ा सा इंटरनल जो गट को क्लीन करके, अपने लाइक आपको जो मतलब अंदर में क्या प्रॉब्लम है अंदर से आप इसको सही कर सकते हैं, यानी कि इंटरनली आपको फिट होना पड़ेगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दवा तो आपको नहीं चल रहा है, ये सब आपको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है? चलो फिर, अगर आपको 20-25 बाल झड़ रहे हैं तो ये मास्क बना करके जोर से लगाइएगा, इंस्टेंट हेयर फॉल रुकता है दोस्तों। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि हेयर फॉल तो होता है, ये ठीक है, समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन जब रिग्रोथ नहीं होता है वो बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। मैं हमेशा बोलती हूँ, हर वीडियो बोलती हूँ कि रिग्रोथ पे ध्यान दीजिए, ठीक है? हेयर फॉल अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा जब आप रिग्रोथ पे ध्यान देंगे तो, ठीक है ना? मतलब आपके बाल निकलने चाहिए गाइस, ठीक है? ठीक है, ये जो बाल यहाँ 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 से पीछे चले जाते हैं तो आपके बाल निकलने चाहिए, ये मेरा कहना है, ठीक है? तो इस जो मास्क ये जो मैंने बनाया है, इससे आपके बाल निकलेंगे भी, रिग्रोथ भी होगा। कैरेटिन तो भूल ही जाओ, जो बहुत महंगे महंगे पार्लर में जाके करवाते हैं, सैलून में जाके करवाते हैं। आप घर पे इस सब चीजें अगर करके अपने हेयर का केयर करते हैं ना, तो क्या होता है कि कैरेटिन की भी जरूरत आपको नहीं पड़ती है। धीरे धीरे आपके बाल अगर कर्ली बाल हैं तो वो स्मूथ होना स्टार्ट हो जाता है इस मास्क से, ठीक है? इसमें हमने मिलाया है राइस, जो कि पूरा भरा हुआ है प्रोटीन से, ठीक है? आप सबको पता है चावल का माड़ हमारे बालों पे कितना अच्छा होता है, आपने वीडियो देखा भी है, बट लगाने का तरीका मैं इस वीडियो में आपको बता दूं कि आप क्या क्या मिक्स करके लगाएंगे तो आपको ज्यादा गुडनेस मिलने वाला है, ठीक है? मेथी आप सबको पता है, मेथी से भी हेयर रिग्रोथ होता है, ठीक है? फ्लैक्सीड्स हमने यहाँ पे तीसी की जो बीज मिलाए हैं, तीसी से क्या होगा कि बाल को स्मूथ करने में, यानी कि सॉफ्ट एंड शाइन करने में हेल्प करेगा ये, ठीक है? प्लस आपको रिग्रोथ भी करने में हेल्प करता है ये। तो यहाँ पे हमने जो 3 इंग्रेडिएंट जो मिलाए हैं, ये पावरफुल मास्क बन के रेडी होता है गाइस, ठीक है? इसका जो मिक्सचर आप अगर बना के लगाते हैं ना, आपके बालों के लिए आपको पता नहीं कितना ज्यादा गुडनेस है। महंगे महंगे मास्क भूल जाओगे गाइस, ठीक है? इसको लगाओ। स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि लोग 1-2 बार 3 बार करते हैं, फिर फायदा नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको करना पड़ता है, ठीक है? लाइफ में कंटिन्यूस रहते हो ना, अगर कंटिन्यू करते हो ना कोई भी चीज को, लाइक आप 10-12 बार करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपके बालों को क्या सूट कर रहा है, क्या ये कितना फायदा हो रहा है, सब कुछ, ठीक है? वैसे तो ये मास्क बनाने से फर्स्ट यूज में ही आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलने वाला है, ट्राई कीजिएगा गाइस, ठीक है? इसमें हमने मिलाया है कैस्टर ऑयल, आप सबको पता है कैस्टर ऑयल कितना ज्यादा फायदा है हेयर रिग्रोथ करने में, नए नए बाल उगाने में बहुत ज्यादा फायदे हैं इसके। अदरक यहाँ पे हमने जो लिया है वो बाल झड़ने तुरंत से रोकते हैं, ठीक है? मेरे हर मास्क में आपको अदरक मिलता होगा, ठीक है? हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, मतलब मास्क भी आप नहीं लगा सकते हैं, वैसे तो मैं कहूँगी कि मास्क ही आप लगाएं, बट बहुत ज्यादा 100-200 बाल मतलब झड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप इंटरनली अपनी बॉडी को चेकअप करवाएं, ठीक है? सेकंड चीज आप क्या कर सकते हैं,
टोनर लगा सकते हैं। टोनर का एक बहुत ही डिफरेंट सा वीडियो मैं लेकर आऊंगी आपके लिए, ठीक है, जो कि होने वाला है राइस और मेथी का जो टोनर है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो टोनर आप लगा सकते हैं, टोनर की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वैसे एक टोनर का वीडियो मेरे चैनल पे आया है, आपके बहुत ज्यादा यानी कि 100 से 200 बाल झड़ रहे हैं तो आप उस टोनर को लगा सकते हैं। पहले टोनर लगा करके बालों को सेट करना है, स्काल्प को समझने देना है। जब थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग हो जाएगा उसके बाद यानी कि 15 से 20 दिन के बाद आपको मास्क पे आना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं गाइस, तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलता है। आपको मैं अपनी सच में मैं ऐसी लड़की हूँ, मेरे हेयर फॉल तो होते ही रहते हैं, हेयर रिग्रोथ पे मैं ध्यान देती हूँ, ठीक है। मतलब कभी कभी क्या होता है, मेरे बाल बहुत पतले हो जाते हैं, फिर मैं जब ये सब करती हूँ तो मेंटेन लाइक हो जाता है। तो आपको क्या है ना, ये नहीं कि मतलब बाल मतलब लगा लिए सही हो गया फिर छोड़ दे, नहीं, आपको रेगुलर रहना पड़ता है। जैसे आप कैसे हैं, डेली का रूटीन है, नहाना खाना सोना उठना डेली का रूटीन है। तो ये जो हेयर मास्क है ना, अब देखो क्या है, खान पीन हमारे जो बहुत ही डिफरेंट हो चुके हैं, आप सबको पता ही होगा मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट कितने, खान पीन भी कितना चेंजिंग हो चुका है। तो जब आप ध्यान देंगे, आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्किन केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, आपको करना पड़ेगा। हफ्ते में एक दिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले का खान पीन अलग था, पहले का वातावरण अलग था, पहले का बहुत कुछ अलग था, स्ट्रेस थोड़ा कम था, घर का खेती था, बहुत कुछ डिफरेंट था, तो पहले की बात अलग थी गाइस। अब क्या होता है कि समय के साथ इंसान को ढलना पड़ता है, ठीक है। तो आपको हेयर केयर करना पड़ेगा, मेरे बहुत ज्यादा हेयर, अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे एक महीने से बहुत हेयर फॉल हो रहे थे, मैंने बीच में मास्क वगैरह, यहाँ पे थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि यहाँ पे आपको पता है रेंटल मकान में कितना प्रॉब्लम होता है, तो पानी का दिक्कत यहाँ पे चल रहा था, इस वजह से मैं मास्क लगा ही नहीं पा रही थी, ठीक है। एक महीने से मेरे मास्क बन ही नहीं पा रहे थे, बट मैं जब मेरे हेयर फॉल होता क्या है कि बरसात में भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होना स्टार्ट जाता है, आपको पता होगा बरसात में। सो मतलब जिसका नहीं हेयर फॉल होता है, जो नॉर्मल पिक्स हेयर फॉल जिसके नहीं होते हैं, उनके भी बाल झड़ने स्टार्ट जाते हैं, ठीक है, मॉनसून सीजन में, क्योंकि स्काल्प बहुत ज्यादा ऑयली होता है, ऑयल पॉलिश करने लग जाता है, उससे सीबम जो भी है जनरेट होता है हमारे स्काल्प में, और फिर उसके बाद डर्ट्स पॉल्यूशन हमारे वो स्काल्प में चिपकते हैं, यानी कि सीबम में चिपकते हैं, जिसकी वजह से गंदगी होती रहती है और हेयर फॉल बहुत ज्यादा इस वजह से मॉनसून सीजन में होता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम इस के बारे में बहुत कुछ गुडनेस बता चुके हैं आपको, लगाइए ये मास्क बना करके, आपको बहुत डेफिनेटली फायदा होने वाला है, ठीक है। और आपको इसको रेगुलर यानी बरसात के सीजन में हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है ना, इसको आप वीक में 2 बार लगाओ, ठीक है, वेडनेसडे संडे। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मेरे ज्यादा हेयर फॉल होते हैं ना, मैं वेडनेसडे संडे 2 बार हफ्ते में जोर से लगाती हूँ, नहीं तो फिर नॉर्मल मेरा चलता है वीकली, ठीक है, हफ्ते में एक दिन मैं संडे या वेडनेसडे को टाइम निकालती हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर लगाते हैं ये मास्क, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी दिखाऊंगी इस वीडियो में कि मैं मास्क कैसे लगाती हूँ। तब तक ये ठंडा हो चुका है, मैंने सारा ज्ञान आपको दे दिया है, तो चलिए फिर देखिए कि मैं मास्क को कैसे लगाती हूँ। बहुत दिन के बाद मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको लगाते हुए दिखाएगी, मैं बहुत दिन से लगाते हुए आपको मास्क नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि क्या होता है जगह जगह पर डिपेंड करता है, एक्चुअली बड़ा ट्राइपॉड यहाँ पे सेट नहीं हो पाता है, और जहाँ पे रूम में जगह है मिरर है वहाँ पे ट्राइपॉड को सेट करने में प्रॉब्लम होता है। तो मैं साइड में थोड़ा सा क्लिप ऐड करके आपको दिखाती हूँ। तो मैं कोलकाता में जब थी तो मैं इस तरीके से लगा के आपको दिखाया करती थी वीडियो मेरा, आप पिछला चेकआउट करिएगा, ठीक है, जो देखते हैं उनको पता ही होगा। तो आज मैंने कैमरा को सेट किया है किचन में ही, और सोचे क्यों ना आज इसका लगा करके आपको दिखाया जाए कि मैं हेयर मास्क कैसे लगाती हूँ। तो चलिए फिर इसका प्रोसेस देखते हैं गाइस, ठीक है। हे गाइस, तो यहाँ पे बहुत दिन के बाद हम आपको लगा करके दिखा रहे हैं मास्क, ठीक है। मैं आपको बताई कि 1 साल से थोड़ा लाइफ मेरा अप्स एंड डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा हुए, साथ में कुछ घर में ऐसी ऐसी घटना भी घटी जिसकी वजह से 1 साल में बहुत डिस्टर्ब रही, यूट्यूब पर भी मैं इसी वजह से एक्टिव नहीं रही। कोलकाता का जितना वीडियो आप देखते होंगे उसमें मैं सारे मास्क आपको लगा के दिखाती थी, और थोड़ा मतलब अच्छे से वीडियो शूट करती थी। अब मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बस अभी मैं पुणे में ही हूँ, आप सबको पता ही होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता दूँ कि मैं कोलकाता में नहीं, अभी मैं पुणे में हूँ। और 1 साल से मैं यूट्यूब पे उतना एक्टिव नहीं थी, मतलब 1 साल मेरे को हो गए यूट्यूब पे, मतलब बस नॉर्मली थी, मेहनत उतना नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं मेरे लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, बहुत स्ट्रेस ये वो, जिसकी वजह से मेरे थोड़े से वेट भी पुट ऑन कर लिए, और थोड़ा सा हेल्थ का भी मतलब बैंड बजा, और दूसरी तरफ हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा है। आप सबको पता ही होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ स्ट्रेस लोगे बॉडी में चेंजिंग आएगी तो हेयर पे फर्क दिखेगा ही दिखेगा, जिसकी वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुए थोड़े, बट कोई नहीं, मैं बहुत ही अब सेट हो चुकी हूँ, बहुत ही सही हो चुकी हूँ। और इस तरीके से बस मैं आज मेरा मन रहा था कि चलो मैं फिर से कंटिन्यू वीडियो जैसे मैं पहले करती थी वैसे मैं किया करूंगी, तो मैं हर वीडियो में मास्क लगा के आपको दिखाया करती थी पहले, इसलिए मैं फिर से कंटिन्यू की हूँ और इस तरीके से मास्क आपके सामने लगा रही हूँ। तो आपको पार्ट बाय पार्ट करके पूरे स्काल्प में मास्क लगाना है गाइस, ठीक है। आप देखो लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, बट होता है, कितना भी लोग कह लेता है ना, बोलता है नहीं स्ट्रेस को दूर करके नॉर्मल लाइफ मतलब जीना चाहिए ये वो, बट जिसके साथ होता है उसको पता होता है गाइस, आप सबको पता है, मतलब जिसका दुख वही जाने, है ना।
बट अब सब कुछ सही हो ही चुका है, ठीक है। सही क्या, मतलब जिसको जाना होता है वो तो लाइफ से चला ही जाता है और दुख तो रहता ही है, बट लाइफ में हाँ थोड़ा सा हम लोग मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि लाइफ में बस चलता है ऐसे ही गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूरा मास्क आपको लगा के दिखा रहे हैं, ट्राइपॉड पीछे रखा हुआ है। मैं पूरे बालों में मास्क लगाती हूँ, जैसा कि मैं आपको बताई कि ये स्ट्रेटनिंग का भी काम करेगा। इसमें हमने मिलाया है चावल, मेथी दाना, फ्लैक्सीड्स यानी कि तीसी, अदरक और लौंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुडनेस देता है आपके बालों को। जो चावल का चावल है वो पूरा बाल को रोकता है झड़ने से, आपको पता होगा, ठीक है, जो कि पुराने जमाने से सुनते आ रहे हो आप, ठीक है, कि चावल का पानी, चावल का मास कितना इम्पॉर्टेंट होता है। मेथी भी हेयर फॉल को रोकता है गाइस, ठीक है। लौंग यहाँ पे अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है और हेयर फॉल से भी परेशान हो, हेयर का भी केयर करना चाहते हैं, तो हर मास्क में आप लौंग डाला करो, उससे सर दर्द भी अगर आपको है तो वो सही होता है गाइस, ठीक है। अदरक भी बाल झड़ने से रोकता है। यहाँ पे जो भी हम प्रोडक्ट लिए हैं सबका काम है हेयर रिग्रोथ पे काम करना, हेयर फॉल को रोकना और बालों को स्ट्रेट करने में हेल्प करेगा आपको जो फ्लैक्सीड्स यहाँ पे हमने मिलाए हैं। बना के लगाइए ये मास्क, बहुत ही अच्छा है गाइस, ठीक है। इस तरीके से हफ्ते में एक दिन नहीं तो फिर 2 दिन आपके पास टाइम है तो लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा मास्क है। टोनर का वीडियो मैं लेकर आऊंगी आप सभी के लिए। अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है तो पहले टोनर लगाइए, बालों को समझने दीजिए, स्काल्प को थोड़ा सेट होने दीजिए, तब मास्क लगाइएगा गाइस, ठीक है। क्योंकि मास्क का जो एप्लीकेशन होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है, आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो मिलेंगे आप सबसे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाला हेयर टोनर, देखना बिल्कुल ना भूलें। और ये लगाइए मास्क, अच्छे फायदे हैं, मैं करती हूँ इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोई जबरदस्ती वो नहीं है, बस मेरे चैनल पे ये सब मेरा दिखाना काम है तो मैं दिखाती हूँ आप सबको, आप भी चाहो तो फॉलो कर सकते हैं गाइज, अच्छे रिजल्ट्स है इसके, ठीक है। तो मिलेंगे आप सबसे गाइज बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, खूब सारा पानी पीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए और अच्छा अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा लाइफ में। बाय गाइज, टेक केयर।